कमलनाथ जी, प्रभुराम चौधरी जी, दिव्या रानी सिंह जी, कविता सिंह जी, मिथिलेश जैन जी, ठाकुर गुमन सिंह जी, मनीष शर्मा जी, दीपचंद अग्रवाल जी, स्टेज पे हमारे सब सीनियर नेता, प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, इतनी गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ये आपने जो पोस्टर पकड़ रखा है ना 72,000 वाला, ये इसकी मैं आपको कहानी बताऊं, ये 72,000 नंबर कहां से आया, कैसे आया बताऊं, सुनना चाहते हो? मैं बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, पूरे देश से कहा कि मैं 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, और पिछले 5 सालों में उन्होंने धोखा देने के लिए बैंक अकाउंट भी खोले। तो कुछ दिन पहले मैंने सोचा, 4-5 महीने पहले मैंने सोचा कि मैं भी पता लगाता हूं, उन्होंने 15 लाख का झूठा वायदा किया, सच्चाई क्या है। तो मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक वालों को, विद्वानों को बुलाया, कमरे में बुलाया, चाय पिलाई और उनसे मैंने सवाल पूछा। मैंने पूछा, भाई एक बात बताओ, ये चौकीदार ने 15 लोगों को 5,55,000 करोड़ रुपए माफ करके दिया, अनिल अंबानी को चौकीदार ने 30,000 रुपए तोहफा राफेल हवाई जहाज का चोरी करके दिया, चौकीदार ये भैया नारा कहां से आया? ये आज कहीं भी आप जाके बोलो चौकीदार, जवाब मिलता है चोर है। ये कहां से चालू हुआ? ये इसलिए चालू हुआ कि नरेंद्र मोदी ने जनता से लाखों करोड़ रुपए चोरी करके इन 15 लोगों को दिए। तो मैंने विद्वानों से कहा, कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट से कहा, मुझे एक बात बताओ, अब मैं गरीब जनता को पैसा देना चाहता हूं। कहते हैं राहुल जी, कमरे में बैठे, कहते हैं राहुल जी आप कितने लोगों को देना चाहते हो? मैंने कहा, हिंदुस्तान में 25 करोड़ गरीब लोग हैं, 5 करोड़ गरीब परिवार हैं, मैं उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं। चिदंबरम जी हिल गए, हिल गए, कहते राहुल जी आपने ये क्या बोला, ऐसे थोड़ी किया जाता है। मैंने कहा मतलब? कहते सरकार गरीबों को ऐसे पैसा थोड़ी दे सकती है। मैंने कहा क्यों नहीं दे सकती? कहते ऐसे तो किसी सरकार ने कभी पहले किया ही नहीं। मैंने कहा तो क्या हुआ, उससे मेरा क्या लेना देना, अगर किसी ने नहीं किया तो मैं क्या करूं? नहीं राहुल जी, ऐसे पैसा थोड़ी दिया जा सकता है। चिदंबरम जी मुझे एक बात आप समझाइए, 15 लोगों का उसने, चौकीदार जी ने 5,55,000 करोड़ रुपए दिए, तो मैं 25 करोड़ लोगों को क्यों नहीं दे सकता? चलिए ज्यादा बहस नहीं करते हैं, आप जाइए पता लगाइए, अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं करनी मगर आप जाइए पता लगाइए, दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए, उनसे कहिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 25 करोड़ गरीबों को पैसा देना चाहती है, कितना दे सकती है? अगर आप हमें कहेंगे कि 100 रुपए दे सकते हैं तो हम बात मान लेंगे, मगर आप पता लगाओ ज्यादा से ज्यादा कितना दिया सकता है। एक शर्त है, अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं होनी चाहिए, नोटबंदी जैसा काम नहीं होना चाहिए, गब्बर सिंह टैक्स जैसा काम नहीं होना चाहिए। चिदंबरम जी गए, 4 महीने बाद वापस आते हैं, पूरी टीम आई, मुझे कहते हैं राहुल जी हमने पता लगा दिया। मैंने कहा भैया मैंने तो आपसे नंबर मांगा था, भाषण नहीं सुनना, मैंने बातचीत नहीं करनी, मुझे नंबर चाहिए।
कागज पे, सफेद कागज पे उन्होंने ये जो आपने पोस्टर पे नंबर लिख रखा है वो नंबर लिख दिया 72,000। मैंने कहा भैया ये क्या है 72,000, कितने लोगों को 72,000, कितने समय में, 10 साल में, 15 साल में, 50 साल में? कहते नहीं राहुल जी, 72,000 रुपए हिंदुस्तान के हर गरीब के बैंक अकाउंट के अंदर, 25 करोड़ लोग, 5 करोड़ परिवार। कब तक राहुल जी? जब तक इनकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना की होगी। जिसकी भी आमदनी भाई और बहनों, और आप में से हजारों लोग ऐसे होंगे, बुंदेलखंड में बहुत लोग हैं, जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, उसके बैंक अकाउंट में साल का 72,000 रुपए, 5 साल का 3,60,000 रुपए जाने वाला है। और मैं चुन चुन के, जैसे इसने चौकीदार ने चुन चुन के लोग चुने, नाम आप जानते हो, देखो मैं पहला नाम लूंगा, आप दूसरा नाम लेना, अनिल, मेहुल, नीरव, विजय, ललित, जैसे इन्हें चुन चुन कर इन 15 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिया, वैसे ही मैं बता रहा हूं भाइयों और बहनों, मैं बुंदेलखंड के हर गांव में चुन चुन कर किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को चुन चुन कर न्याय योजना का पैसा दूंगा। और मैं बता रहा हूं आपको, मैं उस दिन तक दूंगा, जब तक हिंदुस्तान में आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी आमदनी 12,000 रुपए से कम की होगी। जिसकी भी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम की, आप अच्छी तरह सुन लो, आपके बैंक अकाउंट में 5 साल में 3,60,000 रुपए जाने वाले हैं। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये पत्रकार क्या लिखे, टीवी पे क्या बोला जाए, आसमान फट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 25 करोड़ लोगों को साल का 72,000 रुपए देने वाला हूं। अब सुनिए और सुनिए, ताली बजाने से पहले दो तीन बातें आपको कहनी पड़ेंगी, नहीं तो आप गलत समझ जाओगे। मैं सफाई से कहना चाहता हूं, सबसे पहले यहां पे बहुत सारे पुरुष हैं, आपकी प्रत्याशी महिला प्रत्याशी हैं, यहां पे मुझे महिलाएं दिख रही हैं, तो मैं पुरुषों से कहना चाहता हूं, भाइयों मुझसे गुस्सा मत होना, 5 करोड़ बैंक अकाउंट में पैसा जाने वाला है, मगर पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। मुझे बाद में मत कहना ये क्या कर दिया आपने, वो आपके ऊपर है, आप उनसे बात कीजिए, वो आपके उनके बीच में है, मेरा काम आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालने का है, मैं गारंटी दे रहा हूं मैं कर दूंगा। अब मैं सिर्फ गरीबों को मदद कर लें, न्याय योजना का काम नहीं कर रहा हूं। जरूर हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, किसानों की, मजदूरों की मदद करना चाहते हैं, मगर सिर्फ उनके लिए नहीं है ये। अब इस भीड़ में बहुत सारे दुकानदार होंगे, छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग होंगे, मिडिल साइज बिजनेस चलाने वाले लोग होंगे, छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले लोग होंगे। मैं अब आपसे बात करना चाहता हूं, और मध्य प्रदेश में आप सबसे बात करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के दुकानदार आप मेरी बात अच्छी तरह सुनो, छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, एंटरप्रेनर्स, आप अच्छी तरह मेरी बात सुनो, क्योंकि अब मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, जैसे ही हिंदुस्तान की आम जनता के जेब से उन्होंने पैसा निकाला और उन उद्योगपतियों के जेब में डाला, भैया आपका नाम क्या है? हां सेवादल वाले जो टोपी पहने, हां नाम क्या आपका? अरे बहुत लंबा नाम है, पन्ना राम, पंडित राम बहादुर द्विवेदी।
द्विवेदी जी, राम बहादुर जी, जैसे ही आपके बैंक से, आपके जेब से नरेंद्र मोदी जी ने पैसा छीना, वैसे ही जो आपका परिवार पहले खरीदता था, शर्ट, पैंट, चश्मा, जूता, टोपी, टूथपेस्ट, टूथब्रश, आपने खरीदना बंद किया, पैसा ही नहीं था, नोटबंदी में चला गया। जैसे ही आपके परिवार ने खरीदना बंद किया, और सिर्फ आपके परिवार ने नहीं, हिंदुस्तान में करोड़ों परिवार ने खरीदना बंद किया, दुकानदारों का नुकसान हुआ, उन्होंने बेचना बंद किया। जैसे ही दुकानदारों ने बेचना बंद किया, वैसे ही फैक्ट्रियों ने बनाना बंद किया। जैसे ही फैक्ट्रियों ने बनाना बंद किया, फैक्ट्रियों के मालिक ने, छोटे बिजनेस वालों ने, बुंदेलखंड की जनता, युवाओं को बुलाया, कहा भैया अब आपकी यहां कोई जरूरत नहीं है, मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, फैक्ट्रियां तो बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, चलो वापस जाओ। और लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए। अब मैं दुकानदारों से कहना चाहता हूं, छोटे बिजनेस वालों से कहना चाहता हूं, न्याय योजना के पीछे सोच क्या है? जरूर हम गरीबों के जेब में पैसा डालेंगे, जरूर, मगर जैसे ही हम उनके जेब में पैसा डालेंगे, वैसे ही वो आपकी दुकान से माल खरीदना शुरू करेंगे, लाखों दुकानों से वो माल खरीदेंगे। जैसे ही वो आपकी दुकान से माल खरीदना शुरू करेंगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू करेंगे, छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले माल बनाना शुरू करेंगे, कोई शर्ट, पैंट, जूता, मोबाइल फोन, जो भी बनाना शुरू करेंगे। जैसे ही वो बनाना शुरू करेंगे, फैक्ट्रियों में युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, दुकान चालू हो जाएंगे। तो न्याय योजना का दूसरा लक्ष्य, हिंदुस्तान के दुकानदारों, हिंदुस्तान के छोटे मिडिल साइज बिजनेस वालों, आपकी दुकान चालू करने का है, आपके बिजनेस चालू करने का है, और करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का है। यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। हम एक काम करते हैं मगर सबका भला करते हैं। इसमें किसानों को फायदा होगा, डायरेक्ट जेब में 6000 रुपए महीने के, छोटे दुकानदारों को फायदा होगा, महिलाओं को फायदा होगा, बेरोजगार युवाओं को फायदा होगा। जैसे ट्रक के इंजन में डीजल डाला जाता है, नरेंद्र मोदी जी ने इंजन से डीजल निकाल दिया, डीजल निकाल के 15 लोगों को दे दिया, और फिर आपके सामने बैठकर चाबी घुमाते रहते, चाबी घुमाते रहते, चाबी घुमाते रहते, इंजन स्टार्ट नहीं होता, दिन भर भाषण करेंगे, भैया मैं ये दूंगा वो दूंगा, वो चाबी घुमाते हैं, इंजन की कुछ होता नहीं है, उसमें पेट्रोल ही नहीं है मोदी जी, डीजल नहीं है। न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में डीजल है, डीजल जैसे ही अंदर घुसेगा, हम चाबी घुमाएंगे, धड़ाक से इंजन स्टार्ट होगा। और मोदी जी ये मत सोचिए, ये मत सोचिए कि ये देश समझता नहीं, ये मत सोचिए कि जो आपने नोटबंदी में किया, जो आपने गब्बर सिंह टैक्स में किया, ये मत सोचिए कि देश नहीं समझता है। आपने देश से कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई है। मोदी जी आप एक बात समझाइए, अगर काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो लाइन में बैंक के सामने अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी क्यों नहीं खड़े थे? हिंदुस्तान के चोर, काला धन वाले क्यों नहीं खड़े थे मोदी जी? हिंदुस्तान के ईमानदार युवा, ये हमारी माताएं बहनें, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार क्यों खड़े थे मोदी जी? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी काले धन की लड़ाई नहीं थी, काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, काले धन को सफेद में बदलने की लड़ाई थी नरेंद्र मोदी जी। देखिए, इसीलिए ये नया नारा चला है, अमित शाह का बेटा जय शाह 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ बना देता है। अरुण जेटली की बेटी को मेहुल चौकसी बैंक में पैसा देती, बैंक में पैसा देता है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को उसके बेटे के बैंक अकाउंट में ललित मोदी पैसा देता है। जाने से पहले भाइयों और बहनों, विजय माल्या अरुण जेटली से मिलता है, क्यों मिला?
क्या सौदा हुआ, कितना पैसा दिया, क्या बातचीत चली। अरुण जेटली खुले मैदान में कहते प्रेस से, कहते हां मैं तो मिला था। हां आप मिले, 20 मिनट बात की, मगर देश को यह भी बताओ उसने आपको क्या दिया, कितना पैसा दिया नरेंद्र मोदी को। गरीब किसान, बुंदेलखंड का किसान 5000 रुपए का लोन लेता है, 10000 रुपए का लोन लेता है, वापस नहीं देता है, उसे आप जेल में डालते हैं। और नीरव मोदी 35000 करोड़ रुपए लेकर भाग जाता है, उसको आप जेल में नहीं डालते मोदी जी। मेहुल चौकसी 35000 करोड़ रुपए ले जाता है, उसको आप जेल में नहीं डालते। विजय माल्या आपके मंत्री से बात करके जाता है, उसको जेल में नहीं डालते। अनिल अंबानी को 45000 करोड़ रुपए देते हो, जेल में नहीं डालते। क्यों? किसान ने क्या गलती की? किसान में क्या कमी है? ईमानदार, चोर नहीं, चोर नहीं, इसीलिए उसे हिंदुस्तान में जेल में डाला जाता है। मगर चोर जो है वो जेल में नहीं जाएगा। हमने मैनिफेस्टो में एक लाइन लिखी है, ऐतिहासिक लाइन, हिल जाएगा हिंदुस्तान, हिल जाएगा। मैं आपको बताता हूं, 2019 के चुनाव के बाद हिंदुस्तान का कोई भी किसान, बुंदेलखंड के किसी भी गांव का किसान, छोटा किसान बड़ा किसान, हर जात का किसान, हर धर्म का किसान, हर भाषा बोलने वाला किसान, कर्ज ना देने के लिए जेल में नहीं डाला जाएगा। मोदी जी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बात नहीं चलेगी। मैं आपको बताता हूं, जिस दिन आप हिंदुस्तान के किसान को जेल में डालना चाहते हो, जिस दिन आप चाहते हो कि जिसकी कांग्रेस की सरकार बोले हां हम किसान को जेल में डालेंगे, पहले नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी को जेल में डालो, नीरव मोदी को अंदर करो, मेहुल चौकसी को अंदर करो, विजय माल्या को पकड़ के वापस लाके अंदर करो, फिर हम हिंदुस्तान के किसान को जेल में डालेंगे। उस दिन तक हिंदुस्तान का किसान जेल में नहीं जाएगा। ये दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं भाई और बहनों, एक हम सबका, ईमानदार लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, बेरोजगार युवाओं का, और दूसरा चोरों का हिंदुस्तान, अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। हां अच्छा भैया एक बात बताओ, माताएं बहनें एक बात बताओ, आप गांव में घूमती हैं, नहीं ये सुनो, नहीं सवाल सुनो, माताएं माताएं एक सवाल छोटा सा, आप गांव में रहती हैं, आपने किसान के घर के सामने, मजदूर के घर के सामने कभी चौकीदार देखा है? कभी देखा है? नहीं। मगर अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार हैं? 15-20। और भाइयों और बहनों, उस लाइन में एक चौकीदार नरेंद्र मोदी जी भी खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी दिन भर चौकीदारी करते हैं, मगर हिंदुस्तान के किसान की नहीं, हिंदुस्तान के दुकानदारों की नहीं, बेरोजगार युवाओं की नहीं, माताओं बहनों की नहीं, हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर भ्रष्ट लोगों की। मैंने भ्रष्ट बोला क्योंकि हिंदुस्तान में ईमानदार अमीर लोग भी हैं, उनकी चौकीदारी नहीं करते नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी की चौकीदारी करते। भाइयों और बहनों, आपने मुझे कभी भी अनिल अंबानी से गले मिलते हुए देखा है? मेरी कभी फोटो देखी है आपने अनिल अंबानी से गले मिलते हुए? विजय माल्या के साथ मैं कभी बैठा हूं? नीरव मोदी को मैं भाई बोलता हूं? मैं उल चौकसी को भाई बोलता हूं क्या? किसानों के साथ मेरी फोटो देखी? युवाओं के साथ कोई फोटो देखी? तो क्या हो रहा है भाइयों और बहनों? मैं आपका हूं, वो उनके हैं, वो 15 चोरों का है। अब दूसरी बात बताता हूं आपको, और इसमें सीधी सी बात बताता हूं, देखिए
मैं आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता हूं, दो साल का नहीं, तीन साल का नहीं, लंबा रिश्ता। मैं यहां को झूठ नहीं बोलने वाला, आप मुझसे गुस्सा भी हो जाओ मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूं कि झूठ से रिश्ता नहीं बन सकता। और मेरी दूसरी सोच है, नरेंद्र मोदी जाते हैं लाल किले पे, कहते हैं 56 इंच की छाती है, मेरे आने से पहले हिंदुस्तान सो रहा था, हाथी सो रहा था, नरेंद्र मोदी के शब्द। हर 10 दिन नरेंद्र मोदी आपको अपने मन की बात बताते हैं। भाइयों और बहनों मेरी मन की बात, मेरी भाइयों और बहनों मेरी मन की बात, देखो भैया मैं आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहता, मुझे अपनी मन की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपकी मन की बात में इंटरेस्ट है। और मैं एक बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूं, मालिक आप हो, मालिक हिंदुस्तान का किसान है, मालिक हिंदुस्तान का बेरोजगार युवा है, मालिक ये माताएं बहनें हैं, मालिक छोटा दुकानदार, छोटा बिजनेसमैन, मिडिल साइज बिजनेसमैन है। हमारा काम, मेरा काम आपकी बात सुनने का है, आपका काम मुझे ऑर्डर देने का है, मेरा काम ऑर्डर को पूरे करने का है। और मैं आपकी बात सुनकर काम करता हूं। न्याय योजना मैंने नहीं सोची, यह मत सोचो कि मेरे दिमाग से आइडिया है, न्याय योजना हिंदुस्तान की आवाज है, मैंने आपकी आवाज सुनी। किसानों का जब कानून बना रहे हैं वो आपकी आवाज है, किसानों ने मुझे बताया, मैंने थोड़ी निकाली बात, मैंने नहीं सोची, हिंदुस्तान के किसान ने हमें पूछा, भैया ये बाहर है हम अंदर है, या इसको अंदर कीजिए या फिर हमें बाहर कीजिए। मैंने कहा ठीक है, पहले आपको बाहर करेंगे फिर उसको अंदर करेंगे। अब युवाओं से कहना चाहता हूं, न्याय योजना आपको रोजगार देगी, मैं गारंटी करके कहता हूं, दुकानें चलेंगी, छोटे उद्योग चालू होंगे, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलेगा। मगर मैं वहां नहीं रुकना चाहता, मैं आपको बताता हूं 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, मैं एक साल के अंदर गारंटी करके 22 लाख नौकरियां आपके हवाले कर दूंगा। मैं 2 करोड़ नहीं बोलूंगा, आप मुझे कहोगे भी भैया 2 करोड़ कह दो, 15 लाख कह दो, मैं नहीं बोलूंगा, नुकसान हो जाएगा सबका अगर 15 लाख रुपए पकड़ा दिए। मैं आपको कहूंगा 3,60,000 कर दूंगा, 15 लाख नहीं करूंगा। तो 22 लाख सरकारी नौकरियां एक साल में हवाले कर देंगे, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार मिल सकता है, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिलवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, करा जा सकता है। तो ये सब हम आपके लिए करना चाहते हैं। मगर अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, लड़ाई सच्चाई और झूठ के बीच में है, लड़ाई नफरत और प्यार के बीच में है, वो नफरत फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और 15 लोगों का काम करते हैं, 15 लोगों का, और वो 15 लोग नरेंद्र मोदी को लाखों करोड़ रुपए देते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, धंधा है भाई साहब, अनिल अंबानी जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में धंधा है। मोदी जी कहते हैं अनिल अंबानी जी आप मेरी मार्केटिंग का पैसा दो और मैं आपको जनता का पैसा दूंगा। हम आपकी आवाज सुनते हैं। किसान ने हमें कहा हमारा कर्जा माफ करो, मैंने कमलनाथ जी से कहा भैया 10 दिन में करना है, कमलनाथ जी ने 2 दिन में कर दिया। तो आपको निर्णय लेना है किस प्रकार की सरकार चाहते हो, नरेंद्र मोदी की मन की बात वाली या हिंदुस्तान के मन की बात वाली। हिंदुस्तान के मन की बात की सरकार चाहते हो तो हमारे हम आपके हैं। आप सब दूर दूर से आए, गर्मी का समय है, इतना प्यार आप मुझे देते हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप सबका,
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कविता सिंह जी, हमारी जो कैंडिडेट हैं कविता सिंह जी, इनको आप जिताइए, और मध्य प्रदेश में हमारे सबके सब कैंडिडेट को जिताइए। जो टीवी पे लोग देख रहे हैं, आप भी मध्य प्रदेश में हमें पूरा समर्थन कीजिए, बहुत बहुत अच्छा। कमलनाथ जी, एक बात है, व्यापम स्कैम में भ्रष्टाचार हुआ, हमने बुंदेलखंड पैकेज दिया था, हजारों करोड़ रुपए दिए थे। कमलनाथ जी, बुंदेलखंड की जनता से बीजेपी के नेताओं ने बुंदेलखंड पैकेज छीना, लूटा। कमलनाथ जी, आप इसकी कार्रवाई कीजिए और जो इनका पैसा है वापस इनको दिलवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नेता राहुल गांधी जी का। अब हम आज निवेदन करेंगे कि आभार के लिए श्री राजनगर विधायक आदरणीय श्री विक्रम सिंह जी नाती राजा हमें आभार व्यक्त करेंगे। आज अमानगंज की इस पावन धरा पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भारत